मैथमेटिक्स क्लास 9 के नए सेशन के साथ आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 16, यूनिट नंबर 16 मैथमेटिक्स क्लास 9 का। और इस चैप्टर का नाम जैसे कि आपको लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये असल में एनालिटिकल ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही चीज के दो नाम है, और इसका ताल्लुक जो है वो किस तरह से है कि यही हमारा आज का टॉपिक होगा। पहले इनिशियली कि हम इंट्रोडक्शन देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और एनालिटिकल ज्योमेट्री का, और इसका ताल्लुक जो है वो एक्चुअली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से, मतलब है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि हमारे पास प्लेन में दो वैल्यूज होती है, एक आती है एक्स और एक आती है वाई, एक आती है एक्स और एक आती है वाई, और यही हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। आपने सेट के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज पढ़ी होगी, इट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके अंदर हम इस तरह से ऑर्डर पेयर बनाते हैं 3, 2 करके। तो एक्चुअली जो दो वैल्यूज दिखी आती है इसमें से एक एक्स होती है और एक वैल्यू वाई होती है, एक्स कॉमा वाई, मतलब आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका वो एक्स कॉमा वाई की शक्ल में लिखा जाता है, यही आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। ये कहलाते हैं, ये जो चीज है, ये चीज आपकी कहलाती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई की शक्ल में हम उसको किसी को लिखते हैं जिसको। और ये एक शख्स था, उसका नाम था रेने डेकार्टेस, रेने जो आपकी किताब में है लिखा हुआ डेकार्टेस, इसने बेसिकली ये इन्वेंट किया था। और ये 17th सेंचुरी की बात है, इसने ये इन्वेंट किया था, और ये 17th सेंचुरी की बात है उसने इन्वेंट किया था। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है क्योंकि ये वो वाली ब्रांच है जो ज्योमेट्री को लिंक अप करती है एलजेब्रा से। एलजेब्रा और ज्योमेट्री का जो लिंक अप है वो इस ब्रांच के थ्रू होता है, इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये इस बहुत एक्साइटिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट सी आपके पास एक ब्रांच है मैथ्स की, जिसके अंदर हम ज्योमेट्री को एलजेब्रा से लिंक अप करते हैं। अब लिंक अप हम कैसे करते हैं, हमें याद है कि जो हमारे पास प्लेन है जिसका नाम, अगेन इस प्लेन का नाम भी हमने उसी के नाम पे रखा हुआ है, कार्टेशियन प्लेन जो है हमारा, कार्टेशियन प्लेन जो है हमारा वो अगेन जो है आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। और यहां पर हर जगह पे एक पॉइंट मौजूद है, मुख्तलिफ पॉइंट्स यहां पर मौजूद है। ये चैप्टर 7 में भी हमने पढ़ा है कि चैप्टर 7 जो हमने किया है उसके अंदर भी हमने ग्राफ की शक्ल में पढ़ा है। अब ये जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं इसमें से हर एक की एक वैल्यू है, और वो वैल्यू x और y की शक्ल में है, x कॉमा y, यानी कि यहां पर x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी। ये हमारा अभी हमारा ये हम पहले पढ़ चुके हैं ग्राफ के अंदर, इस फैशन प्लेन के अंदर चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं, चार अलग-अलग वैल्यूज होती है। अभी हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, हमारा सब्जेक्ट मैटर इस वक्त जो है वो ये है कि हम एलजेब्रा को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एलजेब्रा की एप्लीकेशन किस तरह से हम कर सकते हैं इस ज्योमेट्री के अंदर। मसलन मामला क्या है कि एक पॉइंट ये लिखा हुआ आपके सामने, सपोज एक पॉइंट लिखा हुआ लगा एक पॉइंट यहां पे ये लिखा हुआ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस क्या हो सकता है, क्या मैंने कहा इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस क्या हो सकता है, ये निकालने का तरीका हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखेंगे, एलजेब्रा ज्योमेट्री सीखेंगे। ठीक है, इसी तरह से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के दरमियान का फासला क्या है, ये हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, और फिर अगर हम तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो देखेंगे आपके पास एक शेप भी बनती व्हिच इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो ट्रायंगल तीन पॉइंट्स हैं, ये तीन पॉइंट्स ट्रायंगल के, फिर ट्रायंगल की अक्साम के हवाले से बात करेंगे हम ट्रायंगल के अक्साम के हवाले से बात करेंगे, नाम वो स्केलिंग होता है, इक्विलेटरल होता है, आइसोसेलिस होता है, तो किस तरह से चल जाएगा कि ये पॉइंट जो है वो डिटरमाइन कर रहा है किसी फिगर को। या मैंने आपके सामने ये ऐसी एक फिगर बना दी है व्हिच इज अ रेक्टेंगल टाइप फिगर, रेक्टेंगल जो है इसमें एक पॉइंट यहां पर है, 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 तो ये चार पॉइंट्स बनकर रेक्टेंगल बना रहे हैं। ये किस तरह से बना रहे हैं, ये तमाम चीजें जो है हमें यहां पर स्टडी करनी पड़ेगी, ये तमाम चीजें हम यहां पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज हम पढ़ेंगे यहां पर आपकी किताब के अंदर पेज नंबर 252 पे है, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान
जो डिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, हम सबसे पहले यही पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम देखेंगे ये कि डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान। तो बहुत आसान सा इसका फॉर्मूला है कि अगर दो पॉइंट्स आपके पास लेट पी एंड क्यू, लेट पी एंड क्यू बी द टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स हैं तो जो डिस्टेंस निकलेगा पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस, ये मैं मॉडुलस वैल्यू से दिखाऊंगा, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव वैल्यू में नहीं आता। इस तरह से देखेंगे और ये बराबर होगा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ये हमारे पास बनेगा फॉर्मूला, इट इज कॉल्ड, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा ये कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहलाता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में आप देख सकते हैं यहां पर x2, x1, y2, y1 है और p और q है, दो पॉइंट्स है p और q, यानी कि एक इसका x होगा और एक इसका y होगा और एक इसका x होगा और इसका y होगा। जो पहला पॉइंट होगा उसके x को मैंने x1 कहा, जो पहला पॉइंट है उसके y को मैंने y1 कहा, जो दूसरा पॉइंट है उसके x को मैंने x2 कहा और जो दूसरा पॉइंट है उसके y को मैंने y2 कहा। तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा x2 ये वाला माइनस x1 ये वाला का होल स्क्वायर और y2 ये वाला माइनस y1 ये वाला का होल स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर को मैं प्लस करूंगा, मेरे पास डिस्टेंस आएगा और डिस्टेंस हमेशा आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसीलिए मैंने इसको एक मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू की शक्ल में लिखा है। क्या है इसके लिए हमें दो पॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसकी एग्जांपल लेते हैं, पेज नंबर 253 पे एग्जांपल मौजूद है। सबसे पहले हम वो एग्जांपल करते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जांपल के बाद फिर हम एक्सरसाइज 16.1 का पहला सवाल इंशाल्लाह भी करते हैं थोड़ी देर में। पहले सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपके सामने लिखा, दोबारा आपके सामने लिखूंगा। पहले तो सवाल देख लो कि सवाल इसका किस तरह से बनता है। सवाल लिखा हुआ है इसके अंदर फाइंड the distance, find the distance between the point P device near around 2, 3 and Q minus 4, 5। ये दो वैल्यू इसमें दी हुई है और वो मेरा कह रहा है कि आप इस तरह के ग्राफ में निकाल के दिखा दें डिस्टेंस P और Q, दो वैल्यू इसमें आपके सामने दी हुई है। इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं और इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं और सॉल्यूशन करने के लिए हम इस पर सबसे पहले लिखेंगे बाय यूजिंग, सीधी सी बात है बहुत मुश्किल से आती है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो लिख देता हूं दोबारा से आपके सामने, पी क्यू बराबर होगा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला है पी क्यू का और यहां पर मैं बता दूंगा कि है पी जो है वो आपके पास गिवन है, अच्छा इसमें ऑलरेडी गिवन है ना, तो हम सिर्फ देखेंगे है एक्स टू x1 कॉमा y1 बराबर हो जाएगा 2, 3 के एंड ये y1 है एंड x2 कॉमा y2 बराबर हो जाएगा माइनस 4, 5 के। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई x2 क्या होगा, y2 क्या होगा, x1 क्या होगा, y1 क्या होगा और उसके बाद हम इसको फिर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं कि जो डिस्टेंस होगा PQ का वो क्या हो जाएगा, x2 आपके पास है यहां से लिख लीजिए माइनस 4 माइनस फॉर्मूले का है, x1 आपके पास है 2 तो माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 है आपके पास 5 माइनस फॉर्मूले का है, y1 आपके पास है 3 तो 3 का स्क्वायर हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल से मैथमेटिक्स है, ये आपके सामने डिस्टेंस आ गया PQ का अंडर रूट माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर।
माइनस फोर माइनस टू माइनस सिक्स हो गया, फाइव माइनस टू हो गया, और आपके पास फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पी क्यू बराबर आ जाएगी अंडर रूट 36 प्लस 4 के, और ये पी क्यू अंडर रूट पी क्यू आपके पास बराबर आएगा अंडर रूट 40 के, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पी क्यू बराबर 40 के। और फिर हम इसको इस तरह से कर ले, आपको बता रहे हम क्या कर रहे हैं, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 10 किया मैंने, तो 4 बाहर आ जाएगा रूट से, हो जाएगा 2 अंडर रूट 10, और इसके आगे लिखते हैं हमेशा यूनिट्स, 2 अंडर रूट 10 यूनिट्स आपके पास आंसर आ गया। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पी क्यू या एसटीएल लिखिए एब्सोल्यूट, या अगर नेगेटिव भी आ जाएगा तब भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आता, डिस्टेंस हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहता है। ये हमने आपके सामने एग्जांपल की, इसी एग्जांपल को सामने रखते हुए हम 16.1 का पहला सवाल लेते हैं, एक्सरसाइज 16.1 यहां से हम शुरू करते हैं। ये हमने एग्जांपल समझाई आपको, और उससे पहले हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन दी, अब इसी के अंदर हम 16.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं, और इसका क्वेश्चन मैं आपके सामने उतारता हूं। ये एग्जांपल आपकी बुक के अंदर भी पेज नंबर 253 पे एज इट इज मौजूद है, जैसे मैंने आपसे बात की। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया, एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको लिखा, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, 4 पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं उसके अंदर, और इन चारों का हम फार्मूला से निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे। आसान सी बात है, सिर्फ आपको डिस्टेंस का फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी कुछ भी इसमें काम नहीं करने का। नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं, नंबर 1 में उसने दिया हुआ है -4, 5 and 6, 6, तो हम यहां कह देते हैं here x1 equals to -4, y1 equals to 5, x2 equals to 6 और y2 equals to 6, तो आप कहेंगे हम using distance formula को इस्तेमाल करें, तो ये आपके पास बन जाएगा, आपका जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है आपका, और ये बराबर हो जाएगा आपके पास अंडर रूट x2 आपके पास है 6, x1 आपके पास है -4, एक बड़ा ब्रैकेट लें ताकि ये सब पास समझ में आ जाए अच्छी तरह से, उसके प्लस y2 आपके पास है 6 और y1 आपके पास है 5, इसका होल स्क्वायर इसके ऊपर ऐसे रूट आ गया, अंडर रूट ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 1, और फिर उसके बाद 100 प्लस 1 और 101 अंडर रूट 101 यूनिट्स, ये इसका आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने किया, 16.1 का, बिल्कुल इसी तरह से आप पार्ट 2 कर लीजिए, पार्ट 2 के अंदर अगेन सॉल्यूशन लीजिए आप, और फॉर्म बताइए पॉइंट्स 2, 2 एंड 2, 3, और बताइए हियर x1 = 2, y1 = 2, x2 = 2 और y2 = 3, x1 2 हो गया, y1 2 हो गया, x2 2 हो गया, y2 3 हो गया, और उसके बाद अगेन यहां पर लिख दीजिए आप यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप बोलेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा x2 आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 1 और ये हो जाएगा 1 यूनिट। ये आपके सामने हो गया सवाल क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, उसके बाद इसका हम पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 के अंदर आगे दो पार्ट दिए हैं, इससे 0, 1 और 2, 3। पार्ट 3 के अंदर देखिए आप, इसने आपको दिया हुआ है 0, 1 एंड 2, 3, तो आप कहेंगे हियर x1 equals to 0, y1 equals to 1, x2 equals to 2 और y2 equals to 3, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो x2 आ गया आपके पास 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर
प्लस y को आपके पास है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर आपके पास आता है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और यह आएगा आपके पास 4 प्लस 4, और 4 प्लस 4 आपके पास होता है 8, और 8 होता है आपके पास 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ये आपके पास आगे टोटल 2 यूनिट्स 0.1 एंड 2.3, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, पार्ट 3 हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद पार्ट 4 में लेते हैं, यहां पर पॉइंट्स उससे दिए हुए हैं, वो आपको उससे दिए हुए हैं 0.1 एंड -2, -3। तो आपका ये हेयर x1 = 0, y1 = 1, x2 = -2 और y2 = -3। और उसके बाद आपने कहा x2 - 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है -3 - 1 का होल स्क्वायर, -3 - 1 का होल स्क्वायर, y1 - 1 था, ये हो जाएगा आपके पास -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और ये आपके पास बन जाएगा 4 + 16, दैट इज अंडर रूट 20 हो गया, और अंडर रूट 20 आपके पास हो जाएगा 2 √5 यूनिट्स के बराबर। ये कैसे होगा अंडर रूट 20, ये हो जाएगा 4 × 5, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ गया और 5 अंदर आ गया, ये हो गया प्लस 2 √5 यूनिट्स। आंसर आ गया, ये हमने कहा 0.1 से -2, -3, तो x1 0 था, y1 1 था, x2 -0 था, 2 था, और ये -3 था, तो हमने कहा -2, -0 और -3, -1, कोई फर्क नहीं हो गया, -2, -1 ठीक हो गया। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 16.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर एंड हुआ, ये आपके सामने इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 हुआ हुआ है। अगले सेशन में हम 16.1 का अगला सवाल करेंगे, अगर दो इसमें सवाल और हैं तो इंशाल्लाह कुछ करेंगे, अगले सेशन में 16.1 को एंड कर लें। यहाँ पर हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और आपके सामने 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल तौर पर सॉल्व किया, इसके चारों पार्ट 3 और 4 आपके सामने।